दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपको लेकर आया हूँ आज सिकंदरा। यहाँ पर आपको मैं अकबर बादशाह का मकबरा दिखाऊंगा और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपके गाइड इमरान के साथ। चलिए तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सिकंदरा के अंदर और ये रास्ता सीधा मुख्य मेन गेट की तरफ जाता है। यहाँ बाहर भी दोनों तरफ बगीचे बने हुए हैं और काफ़ी हरियाली है यहाँ पर। और ये अब हम पहुँचने वाले हैं मेन गेट की तरफ। चारों तरफ बगीचे और हरियाली, बहुत अच्छा खुशनुमा माहौल है यहाँ का। आज संडे की वजह से काफ़ी पब्लिक है, वैसे ज़्यादा रश नहीं रहता है यहाँ पर। आसानी से आपको टिकट भी मिल जाएगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं है ताजमहल की तरह। और ये हम आ गए मेन दरवाजे के पास। ये लाल पत्थर से बना हुआ है। पहले जो अकबर बादशाह ने बनवाया था तब ये खाली लाल पत्थर का ही बना हुआ था हिस्सा। ये मीनार जो बनी हुई है इसमें, ये जहांगीर ने बनवाई थी बाद में। जो भी इसमें सफ़ेद काम हो रहा है वो जहांगीर के कराया हुआ है। और ये भी बुलंद दरवाज़े की तरह ही इसका बड़ा दरवाज़ा है। इसमें बहुत अच्छी ये कारीगरी हो रही है इसमें, जैसे कोई मैट मैट की तरह डिज़ाइन बना हुआ है। और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं काफ़ी, मतलब इसका मुख्य जिसको कहते हैं मेन जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो गेट पर ही है। गेट को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इसमें और काफ़ी ऊंचा गेट है। मार्बल जड़े हुए हैं इसमें, मार्बल से सब डिज़ाइन बने गए हैं। ये आपको मैट वाला डिज़ाइन ज़्यादातर सभी जगह देखने को मिलेगा। लाल, रेड स्टोन, ब्लैक स्टोन, वाइट स्टोन, ये यहाँ पर इसमें अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। ये 99 नाम हैं अल्लाह के। इसमें चारों तरफ पूरे दरवाज़ों पर लिखे हुए हैं 99 नाम, बहुत सफाई से। मुगलों की जो भी इमारतें भरी हुई हैं उसमें फिनिशिंग का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है। ये हम दरवाजे के उसमें आ गए बीच में, बहुत ऊंचा है। चारों तरफ ये ऊपर दरवाजे से बने हुए हैं, छत में ये अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, सब लाल पत्थर से है। काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा है, बहुत ऊंचे ऊंचे दरवाजे बनवाते थे मुग़ल अपने, जो भी इमारतें बनवाई हैं उसमें काफ़ी ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं। और ये है सामने मेन मकबरा, जो लाल और सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। ये इसकी तरफ दोनों तरफ काफ़ी बड़े बगीचे बने हुए हैं, बहुत बड़े एरिए में बगीचे हैं यहाँ पर दोनों, मतलब इमारत बीच में है और चारों तरफ बगीचे हैं, इसके बीच में इमारत है। ये देखिए कारीगरी का नायाब नमूना, बहुत प्यारी नक्काशी करी गई है, बहुत प्यारी नक्काशी। और ये हम मेन मकबरे की तरफ जाते हुए, ये बगीचा, यहाँ पर भी बगीचे में आपको मोर, हिरन और बंदर, लंगूर, ये हिरन बैठे हुए पार्क में आराम कर रहे हैं। पब्लिक को, भीड़ को देख के डर जाते हैं, इसलिए थोड़ा एक किनारे पे चले गए हैं।
फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको इसमें कुछ दिखाने की। देख के डर जाते हैं वो, इसलिए दूर चले जाते हैं। जब भी मौका मिलेगा मैं दिखाऊंगा अभी आपको। पहले हम मकबरे की तरफ चलते हैं। ये कभी तालाब रहा होगा, या हो सकता है वुज़ू खाना हो, वुज़ू करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई फुहारा वगैरह तो लगा हुआ नहीं है। ये पानी स्टोरेज के लिए बनाया होगा। ये ऊपर आप छतरियाँ देख रहे होंगे वाइट कलर की, ये जहांगीर ने बनवाया था। वाइट गेट जो भी काम हो रहा है सब जहांगीर का करवाया हुआ काम है। रेड वाला काम जो है अकबर बादशाह ने अपनी ज़िंदगी में ही बनवाना शुरू कर दिया था अपना मकबरा। 1605 में अकबर बादशाह का इंतकाल हुआ था। और 1605 से 1612 तक इसमें काम चलता रहा है। ये उनके परिवार की कब्रें हैं, जहांगीर के और अकबर के परिवार की कब्रें। इतने मुगलों की मकबरे मैंने देखे हैं, लेकिन एक अकबर बादशाह का मकबरा ऐसा है जिसमें कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग, कोई नक्काशी, कुछ नहीं, केवल सादा सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सादा सिंपल है। वहाँ पर मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है, लेकिन बनाने नहीं दी उन्होंने नीचे की, जहाँ पर मेन कब्र बनी हुई है। ये भी उन्हीं के किसी परिवार की कब्र है, इसकी जानकारी तो नहीं मिली। वहाँ पर भी मैंने कोशिश करी थी पता करने की, लेकिन जानकारी नहीं मिली इसकी कि ये किसकी कब्र है उनके परिवार की। मुगलों में जो भी डिज़ाइन बने हुए हैं ज़्यादातर सब, जितने भी इमारतें हैं उनकी सब में मिलते जुलते हैं, काफ़ी एक जैसे ही लगते हैं। ये मकबरे का सबसे अंदर का दरवाज़ा, जहाँ से हम मकबरे के अंदर जाएंगे। ये देखिए कुरान शरीफ की सूरत लिखी हुई है, बहुत प्यारी कारीगरी है इसमें। जब ये नया बना होगा वाकई में देखने लायक होगा ये। और जो सुनहरी, ये जो सूरत लिखी हुई है सुनहरी उस कलर से, ये उस टाइम पर सोने की स्याही थी उससे लिखा गया था। है जो भी इसमें गोल्ड चमकदार काम है वो सोने की स्याही से काम हुआ है इसमें, और बहुत अच्छा काम है इसके अंदर, देखने लायक, बहुत बढ़िया डिज़ाइनिंग हुई है। चारों तरफ कारीगरी का नमूना देखने को मिलेगा आपको। चारों तरफ छत देखिए आप, उस टाइम पर कैसी दिखती होगी छत, कितनी प्यारी। जब आज सालों के बाद भी इसमें इतना अच्छा लग रहा है, उस टाइम पर कैसा लगा होगा। चारों तरफ सूरत लगी हुई है, चारों तरफ। एक मकबरे के लिए जाती हुई टनल है, टनल टाइप की बनी हुई है पतली सी। यहाँ से हम सीधे नीचे की तरफ उतरते हैं जहाँ पे मकबरा बना हुआ है। लेकिन आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मकबरे की ज़्यादा वीडियो नहीं मिलेगी आपको। थोड़ा सा मैं शॉट ले पाया था, उन्होंने बनाने नहीं दिया और कैमरे को रोकना पड़ा मुझे, इसलिए एक शायद आपको एक झलक देखने को मिले कब्रे की। और कब मैं पत्थर, एक पत्थर की कब बनी हुई कब्र है, उसमें कोई जॉइंट नहीं है और कोई डिज़ाइनिंग नहीं है उसके अंदर, सादा एंड सिंपल। ये लीजिए ये कब्र, बहुत सादा। ये हम बाहर निकलिए, ये जाली है पत्थर की, हर जाली में अलग डिज़ाइन है, बिल्कुल हर जाली में अलग डिज़ाइन। जैसे ताजमहल में
फतेहपुर सीकरी में। मैंने कहा ना आपसे सब मिलती जुलती है कारीगर जो भी इन्होंने बनाया होगा शायद मेरे ख्याल से काफ़ी। ये बाहर निकलते हुए वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन इमारत अच्छी बनी हुई है और चारों तरफ बगीचे हैं, बहुत सुकून है। आप बैठेंगे यहाँ पर तो काफ़ी आप, और ये देखिए सामने हिरन, काफ़ी दूर है लेकिन मैंने कोशिश की है आपको दिखाने के लिए। हिरनों के काफ़ी झुंड हैं यहाँ पर क्योंकि ये बाग पूरी तरफ से चारों तरफ से बाउंड्री है, इसमें बंद है, ये अंदर ही रहते हैं लोग। ये देखिए हिरन काफ़ी बड़ा बगीचा है, काफ़ी बड़ा चारों तरफ। बगीचे में जाना अलाउड नहीं है, आप दूर से देख सकते हैं जो भी देखना है आपको। ये हिरन बैठते हुए, पीछे से आपको बंदर भागते हुए दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी अच्छा बगीचा है ये इसका मकबरे का पीछे का गेट, एक गेट से तो हम आए थे, ये दूसरा गेट है लेकिन जिस गेट से आए थे वो और ये गेट सेम है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है। इसके अंदर टोटल 9 कब्रें बनी हुई हैं, अकबर बादशाह की कब्र के साथ ही 9 कब्रें बनी हुई हैं टोटल, जो इन्हीं के परिवार के लोगों की हैं। उनके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिली मुझे इसलिए मैंने आप तक बात नहीं पहुंचाई। और ये लोगों के ठहरने के लिए शायद बनाई होगी उस वक्त पे। काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन, बिल्कुल सेम वही जैसा उधर गेट था सेम इधर है, बस उस गेट के आगे गार्डन था आगे की तरफ, यहाँ आगे की तरफ नहीं है। और दोस्तों मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं और पसंद भी करते हैं, बस इसी में ही मेरी मेहनत वसूल हो जाती है और मैं आगे आपके लिए और अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। अभी आप ये मत सोचना कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो वीडियो ख़त्म हो गई, वीडियो भी आगे है। ये कुआ बोरवेल उसी टाइम का बना हुआ है और ये सामने जो आपको दिख रहा है यहाँ पे उनके सिपाही वगैरह रहते थे, सिपाहियों के लिए बना हुआ है ये। हम अब सीधे मकबरे से उसी गेट से वापस लौट रहे हैं जिस गेट से हम आए थे। दोस्तों इस मकबरे में जो मेन बिल्डिंग में जो सबसे ज़्यादा कारीगरी और काम किया गया है वो इसी में ही है, गेट में अभी जो था। और ये अब हम आ गए कांच महल। कांच महल बनाया गया था लेडीज़ के लिए आराम करने के लिए और इसका इस्तेमाल जहांगीर शिकार खेलने आते थे तब भी इसका इस्तेमाल किया करते थे। डबल स्टोरी है में बना हुआ है, 2 मंजिला, और इसमें भी बहुत अच्छा काम, पत्थरों के ऊपर बहुत बारीक काम किया गया है और काफ़ी अच्छा काम है इसके अंदर। जहांगीर इसमें आराम करते थे और लेडीज़ के लिए भी था आराम करने के लिए। ये देखिए रेड और वाइट पत्थर, कितना प्यारा काम है वाकई में, बहुत बारीक काम है इसमें। ये देखिए पत्थर में मेहराब में बहुत अच्छा काम लगा इसमें मुझे, ये रेड पत्थर की जाली लगी हुई है। कितना बढ़िया काम है, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से तराशा गया है, बहुत बारीकी से।
ये बीच बीच में मार्बल्स के जड़ाऊ काम है इसमें। ये देखिए इसकी छत पे कितना प्यारा काम है। इसमें थोड़ा सा अलग कुछ काम किया गया है, जो मुग़लों का और हिंदुस्तानी जो कला का बिल्कुल मिला जुला असर है इसके अंदर। और ये अंदर का हिस्सा दूसरी मंजिल ऊपर चारों तरफ से देखिए आप। मैं कोशिश करता हूँ आपको हर तरीके से दिखाने की कि कोई जगह छूट ना जाए, क्योंकि जब यहाँ पर आएंगे आप घूमने के लिए तो आप पहले से ही सब चीज़ के बारे में पता होगा। और हम जा रहे हैं लोदी का मकबरा, ये भी इन्हीं मकबरों के साथ में बना हुआ है ये सामने, लेकिन इसकी हालत कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। लोदी टॉम, ये इसके नीचे अंडरग्राउंड में कब्र बनी हुई है, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। एक आइडिया है कि लोदी का मकबरा है, लेकिन कंफर्म नहीं है। इसमें अकबर बादशाह आके आराम भी करते थे जब ये बना था। इस मतलब इसके अंदर चारों तरफ गेट हैं। इस तरीके से बनाया गया है कि आप जब इसके बीच में खड़े होंगे तो आपको चारों तरफ से हवा लगेगी। इसकी हालत तो घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कोई अच्छी हालत नहीं है इसकी। ये देखिए चारों तरफ इसके आपको दरवाजे गेट मिल जाएंगे जहाँ से आपको हवा लगेगी। इसमें कोई यहाँ पर पक्का वो नहीं है कि लोदी की कब्र के बारे में, लोदी वंशज की कब्र है या इब्राहिम लोदी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये दोस्तों इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।